बिसम अल्लाम डर स्टूडेंट्स दिस इज मनसूर नाइजो और कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड इंसानी झजा के कौन से जुजे होते हैं हॉलोजैक न्यूट्रीशन टाइप ऑफ हेट्रोटॉफिक न्यूट्रीशन हॉलोज न्यूट्रिशन जो है जिसमें जो होते हैं जानदार जो होते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है कि वो सभी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को लें जिंदा रहने के लिए देर आर सेवन मेजर क्लासेज ऑफ न्यूट्रंस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल फाइबर विटामिन एंड वाटर तो सात मेजर क्लासेज हैं न्यूट्रेंट्स की जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल फ़ाइबर विटामिन और वाटर आ जाते हैं तो आइए यहाँ पर हम कुछ जो है उनमें से सीखते हैं कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट आर नेसेसरी फॉर योर बॉडी स्पेशली ग्लूकोज विच इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी होता है आपकी बॉडी के लिए जैसे ग्लूकोज़ जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का देर आर जनरली डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज सिंपल कार्बोहाइड्रेट सचेज साक्रोज डाइजेस्ट क्विकली एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सच स्टार्च विच डाइजेस्ट स्लोली तो हम इनको सिंपली दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक सिम्पल कार्बोहाइड्रेट जिससे साक्रोज जो जल्दी हजम हो जाए और दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिससे स्टार्च हो आजता आज तक डाइजेस्ट आओ सोसेज ऑफ सिम्पल कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड फ्रूट शुगर एंड प्रोसेन सचेज वाइट राइस आर फ्लोर यानी जो अगर सोर्सेज की बात करें तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट हमें फलों से मिलते हैं शुगर से मिलती हैं और जो ग्रेन्स अनाज होता है जैसे मतलब के चावल हो गए आटा हो गया यू कैन फाइंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन ग्रीन आर स्टार्च वेजिटेबल्स पोटेटोज होल ग्रैंस बीन्स एंड लेंटिल्स तो आप कॉम्पलक्स कार्बोहाइड्रेट को ले सकते हैं ले सकते हैं जो ग्रीन या जो वेजिटेबल्स होते हैं जैसे पोटेटोज हो गए या अनाज हो गया बिंग्स लाइन इन सभी से आप जो है कॉम्प्लेक्स आगोडेट ले सकते हैं द मोस्ट एंड अबेंट फॉर्म्स आर शुगर फाइबर्स एंड द्च सबसे ज़्यादा जो अबेंट फॉर्म है वो है शुगर फाइबर और स्टार्च का प्रोटीन्स प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ यूनिट कालोसिड्स अटैच टुगेदर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस प्रोटीन जो है मुश्तमल होती है माइनोसिड पर जो एक्ट्रोसिस से मिलती हैं एक कॉम्प्लेक्स फार्मेशन बनती है प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल बॉडी टैक्स लॉन्ग लॉन्गर टू ब्रेक देम डाउन तो प्रोटीन जो है कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल है जिनको बॉडी लेती है और वो यानी ब्रेक डाउन होती है एज अ रिजल्ट दे आर मच स्लोअर एंड लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट्स और ये जो हैं यानी आहिस्ता पर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यानी एनर्जी प्रोवाइड करती हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट तो ये जो है प्रोटीन के सोर्सेज हैं आप पिक्चर में देख सकते हैं देर आर ट्वेंटी एसिड्स द बॉडी सम ऑफ देम फ्राम कंपोनेंट विद इन द बॉडी ट्वेंटी एसिड्स हैं जिनमें से कुछ जो है बॉडी के अंदर बनते हैं बट इट के नॉट सेंटिसाइज नाइन ऑफ अमायनोसिट्स काल एसेंशियल अमायनोसिट्स पर नाइन अमायनोसिड ऐसी हैं जो बॉडी के अंदर नहीं बनती दे मस्ट बी कंज्यूम्ड इन द डाइट तो वो हमें ज़रूरी अपनी में लेनी पड़ती हैं द बॉडी नीड्स प्रोटीन टू मेंटेन एंड रिप्लेस टिश्यूज एंड देयर फंक्शन बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है जो टिश्यूज़ होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए नए टिश्यू को बनाने के लिए या उनके फंक्शंस के लिए प्रोटीन इज़ नॉट यूजली यूज फॉर एनर्जी हाईवर इफ़ द बॉडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ कैलरीज फ्राम अदर न्यूट्रेंट आर फ्राम द फैट स्टोर इन द बॉडी प्रोटीन इज़ यूज फॉर एनर्जी यानी जो है प्रोटीन को मकसद करके तबाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते पर कभी कभी अगर कैलोरीज़ की एनर्जी की कमी हो जाए जो दूसरे न्यूट्रेंट्स होते हैं उनकी कमी हो जाए अगर वो जो है जो है यानी रुकयर्ड एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रही तो उस सिचुएशन में हम जो है प्रोटीन को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं द एनर्जी अपनेट फ्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट इज़ मैय इन यूनिट्स कॉल कैलोरीज और जो जो हमें एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट से वो हम कैलरीज़ में मैयर करते हैं फैट्स फैट्स आर द कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल कम्पोज ऑफ फैटियासोड एंड गलाइसोरो फैट जो कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल है जो फैटी ग्लाइसरोल का बना होता है द बॉडी नीड्स फैट्स फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी बॉडी को फैट की ज़रूरत पड़ती है उसकी ग्रोथ के लिए और तवाने के लिए इट आल्सो यूज हारमोन्स एंड अदर सबस्टेंस नीडिड फॉर बॉडीज एक्टिविटीज इसको ज़रूरत पड़ती है हारमोन्स को बनाने के लिए या दूसरे सबस्टेंस जो बॉडी की एक्टिविटीज़ को बरकरार रखते हैं उनको बनाने के लिए तो ये जो है पिक्चर में आप देख सकते हैं ये सभी फैट के सोर्सेज हैं द फूड रिच इन फैट्स फैट्स आर द स्लोवेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी बट द मोस्ट एनर्जी इफिशेंट फॉर्म ऑफ फूड फैट जो है हमें आहिस्ता आहिस्ता नहीं मिलती है पर सबसे ज़्यादा तोने मिलती है द बॉडी डिपोजिट एक्सेस फैट इन द एबडोमिन ओमेंटल फैट एंड अंडर द स्किन साबक्यूटेनियस फैट बॉडी जो इजाफी फैट होती है उसको जमा करके रखती है एबडोमिन में जैसे हम ओमेंटल फैट कहते हैं और स्किन में जिसे हम सबकिटिनियस फैट कहते हैं टू यूज़ मैन इट नीड्स मोर एनर्जी उसको इस्तेमाल करती है जब ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है द बॉडी में आल्सो डिपॉजिट एक्सेस फैट इन ब्लड विजल्स एंड विद इन ऑर्गन वेयर इट कैन ब्लॉक ब्लड फ्लो एंड डेमेज ऑर्गेन्स ऑफ इन काजिंग सीरियस डिसऑर्डर्स और जो बॉडी होती है वो एक्सेस फैट को डिपॉजिट करती है जो ब्लड की विजल्स होती हैं उनके अंदर किसी भी ऑर्गेन में जहाँ पर वो कभी कभी ब्लड के जो फ्लो को वो ब्लॉक करती हैं डेमेज करती हैं ऑर्गेन्स को और यानी डिसऑर्डर्स खराबी पैदा करती है बीमारी पैदा करती है सम टिपिकल सोर्स ऑफ सेचूरेटेड फैट्स इंक्लूड फैटी कट्स ऑफ बीफ एंड लैंप यानी जो बीफ और लैंप होते हैं उनके फैटी कट्स लें पोल्ट्री स्किन जो पोल्ट्री होती है उसकी स्किन में मौजूद होती है हाई फैट डेयरी फूड्स होल मिल्क बटर चीज़ सॉर क्रीम आइसक्रीम यानी जो फै डेयरी फूड्स होते हैं मिल्क के बने हुए जो चीज़ें होती हैं जैसे मिल्क हो गया बटर हो गया चीज़ हो गया आइसक्रीम हो गई इन सभी में से हमें फ़ैट मिलती है टॉपिक है ऑयल्स कोकोनट ऑयल पाम ऑयल कोका बटर इन सभी से हमें जो है फैट मिलती है फंक्शन ऑफ ईच फूड टाइप इन ह्यूमन बॉडी कार्बोहाइड्रेट शुगर फॉर एनर्जी स्टार्च फॉर एनर्जी फाइबर प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन यानी कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो शुगर जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है स्टार्च भी एनर्जी प्रोवाइड करती है फाइबर यानी जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसको रोकती है प्रोटीन फार ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स यानी सेल्स की रिपेयरिंग के लिए और ग्रोथ के लिए फ़ैट फार एनर्जी एंड इंसुलेशन यानी फैट जो है हमें तोनेई मैया करती है और इंसुलेशन का काम करें इंसुलेशन मतलब अगर माहौल में हीट बढ़ रही है या सर्दी बढ़ रही है तो उसको रोकने का काम करती है विटामिन विटामिन सी फार हेल्दी स्किन एंड गम्स विटामिन सी जो है हमारी स्किन के लिए या गम्स के लिए ज़रूरत है विटामिन डी फार स्ट्रॉग बोन्स को मजबूत करने के लिए मिनरल कैल्शियम फॉर स्ट्रॉग बोन्स मिनरल में से कैल्शियम जो है वो बोन्स को मज़बूत करने के लिए आयरन टू मैक रेड ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए आयरन की जरूरत पड़ती है वाटर टू डिज़ोल्व एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस्टेंस यानी पानी जो है चीज़ों को डिज़ोल्व करता है और उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है सर स्टूडेंट डेट्स लेक्चर दिस लेक्चर विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर सो डोंट मिस एंड इफ यू नॉट subscribe my channel please subscribe my channel click on bell icon to get notification of my upcoming video thank you for watching this video